हम देवभूमि के लोग हैं, यहाँ पे देवी देवताओं ने वास किया है और यहाँ पे ज्यादातर सबसे ज्यादा हमारे ही क्षेत्र में इस घाटी में जो यहाँ पे पांडव लोग आए, पांडवों का वास हुआ यहाँ पे, ज्यादा रामलीला पांडव लीला अधिकतर होती है और इससे हमारी संस्कृति, धार्मिक संस्कृति और धरोहर जो बची है जो शक्ति हमारे यहाँ पे काम करते हैं, विद्यमान रहते हैं, इससे पूरे क्षेत्र में शांति का माहौल, एक सात्विक माहौल, एक धार्मिक माहौल जो होता है, बड़ा ही आनंद और बड़ा ही यहाँ पे भव्य आयोजन जो हो रहा है, इससे सभी क्षेत्र वाले खुश हैं। कथाओं की बात करें, सबसे पहले कथाओं को अगर आधार माना जाए तो जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ उसके बाद पांडवों को जो है विजय श्री प्राप्त हुई है और अपने मोक्ष की कामना के लिए और सदगति प्राप्त के लिए उनका जो गमन हुआ वो केदार घाटी की ओर हुआ है। और जो कथाओं में वर्णित है, कथाओं के अनुसार केदार घाटी में कुछ दिनों का प्रवास रहा थे पांडवों का और इस दौरान उन्होंने जो केदार घाटी के वासिंदे थे, जो लोग थे, तो उन्होंने जो है उस दिन जिनके घर में वो रहे, तो उन्होंने एक प्रश्न होता है कि कैसे जो है आप लोगों ने कुरुक्षेत्र युद्ध पे जीत दर्ज की है और कैसे जो है वहाँ पे जो चक्रव्यूह कमलव्यूह का मंचन हुआ है उसके बारे में बताया। तो उस दौरान बताया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज जी ने यहाँ पे कुछ लकड़ियों की मदद से पृथ्वी पे जो है कुछ रेखाएं जो है रेखाओं अंकन करने के बाद जो है चक्रव्यूह कमलव्यूह का निर्माण किया है और उसी दौरान जो है जो हमारे केदार घाटी के लोगों ने जो है चक्रव्यूह कमलव्यूह से वो अवगत हुए, उनके मोक्षगामी होने के बाद जो है केदार घाटी में जगह जगह कई गांवों में जो चक्रव्यूह कमलव्यूह का मदस्तूर तब से लेकर आज तक जो चलन चलता आ रहा है।